अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं कंजम्पशन फंक्शन के दूसरे हिस्से के बारे में बताऊंगी आपको, जो कि तफ़ाइल सर्फ़ की अहमियत के बारे में है। क्योंकि ये बहुत अहम था और काफ़ी डिटेल्ड बताने वाला था, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको इसके बारे में नहीं बताया। तफ़ाइल सर्फ़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी चीज़ की है तो वो तफ़ाइल सर्फ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अहमियत बेसिकली तब पैदा हुई जब 1929 से लेकर 1939 तक एक ग्रेट 10 साल डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। उससे पहले क्लासिकी मेशेदान काफ़ी मकबूल थे, जिनका कहना ये था कि मेशेद खुद बखुद तवाज़ुन की तरफ चल जाती है और मेशेद में हर वक्त कामिल रोज़गार होता है। कहीं पे अगर अदम तवाज़ुन आता भी है, यानी अगर तलब रसद में कमी बेशी होती है या वक्ती बेरोज़गारी होती है, तो वो खुद बखुद ठीक हो जाता है। लेकिन जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, 10 साल डिप्रेशन, और वो ठीक ना हुआ और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई, काफ़ी बदहाली का दौर था, खुद अमेरिका में भी 25% से ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई, तो उस वक्त इस बात की, उस वक्त वो थेरी जो है, क्लासिकी थेरी जो मुकम्मल रोज़गार की थेरी है, वो बिल्कुल फेल हो गई। तो लॉर्ड केन्स एक मेशेदान थे, उन्होंने आगे बढ़कर एक नज़रिया पेश किया और एक वाजिया किया कि जब कोई इस तरह का माशी बदहाली आती है तो वो ख़ुद बखुद अगर ना ठीक हो तो वहाँ पे हुकूमत को इंटरफेयर करना पड़ता है, और हुकूमत को बहुत सी पॉलिसियाँ बनाकर, जिसको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि मालियाती और ज़रई पॉलिसी बनाकर मेशत को दुरुस्त करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जो है, इसलिए उसने, लॉर्ड केन्स ने कुली माशियात का बहुत सारी थेरीज पेश की। कुली माशियात बेसिकली है ही ऐसी माशियात का वो हिस्सा जो कि मेशत का बहैसियत कुल जायज़ा लेता है, यानी बड़े पैमाने पर जायज़ा लेता है, यानी कौमी आमदनी, बेरोज़गारी वगैरह। तो इसमें कौमी आमदनी के तयन के सिलसिले में और रोज़गार को तक के तयन के सिस्टम में तफ़ाइल सर्फ बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सर्फ का मतलब है कि लोग खर्च कितना करते हैं। तो लोग जितना ज़्यादा खर्च करेंगे अशिया, उतनी ज़्यादा बिकेंगी अशिया खिदमात, और अशिया खिदमात जितनी ज़्यादा बिकेंगी उनकी प्रोडक्शन भी जारी रहेगी और अशिया खिदमात पैदा होंगी। क्योंकि देखें, जब चीज़ मार्केट में बिकती है तो बहुत सारे लोगों के रोज़गार का बायस बनती है, जब रोज़गार मिलता है तो लोगों की आमदनियों में भी इजाफ़ा होता है। लिहाजा अगर कौमी आमदनी में इजाफ़ा करना है तो सरमायाकारी में इजाफ़ा होगा, और सरमायाकारी में इजाफे की वजह से जो कौमी आमदनी में इजाफा होगा वो कई गुना ज़्यादा होगा उससे, यानी जितना सरमायाकारी में इजाफा होगा कौमी आमदनी में इजाफा उससे कई गुना ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मिसाल के तौर पर देखें, अगर कहीं पे किसी ने कोई एक फैक्ट्री या कारखाना लगाया है तो सिर्फ उस कारखाने में काम करने वालों को, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत वो एक कारखाना बहुत सारे और लोगों के रोज़गार का बायस भी बनेगा। जैसे उस कारखाने के पास एक वर्कशॉप भी बन जाएगी, एक छोटी सी कैंटीन बन जाएगी, या होटल बन जाएगा, या फिर रोड बनेगी वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, या फिर ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा, फ्यूल वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा, खाम माल वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को बेसिकली जितने टारगेट होता है, जितनी सरमायाकारी होती है, रोज़गार उससे भी ज़्यादा लोगों को मिलता है, और जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा आमदनी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सरमायाकारी में इजाफे की वजह से आमदनी में कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है। तो देखें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्फ होगा तो सरमायाकारी होगी। दूसरी चीज़ है ज़ारिब की कदर। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि सरमायाकारी में इजाफे की वजह से कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा होता है। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है, ये बेसिकली एक अददी सर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर या ज़ारिब। यानी सरमायाकारी में इजाफे की वजह से कौमी आमदनी में जितने गुना इजाफा होता है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर या ज़ारिब। मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा अहम है, और
मल्टीप्लायर की ये जो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, मिसाल के तौर पर अगर सरमायाकारी में एक गुना इजाफा होता है, हो सकता है आमदनी में उसकी वजह से चार गुना इजाफा हो सकता है पाँच गुना इजाफा हो सकता है छः गुना इजाफा हो। ये कितने गुना इजाफा होगा डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी कौमी आमदनी में उतने गुना ही इजाफा होगा, और अगर सरमायाकारी में कमी होती है तो कौमी आमदनी में भी कमी होगी और कई गुना ज़्यादा कमी होगी, और ये भी मल्टीप्लायर पे ही डिपेंड करेगा। तो मल्टीप्लायर की पॉजिटिव भी हो सकता है और मल्टीप्लायर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव उस सूरत में होगा जब सरमायाकारी में कमी से कौमी आमदनी में कमी वाक़ होती है। वैल्यू वही होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और ज़ारिब की कदर का तयन कैसे होता है, ये एक फार्मूला होता है। देखिए लिखा हुआ है ज़ारिब किसके बराबर है, एक वन ओवर वन माइनस एम पी सी, यानी कि वन माइनस मुक्तदा मिलान सर्फ। मुक्तदा मिलान सर्फ है आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ में जिस नस्बत या शरह से तब्दीली आती है उसको बोलते हैं मुक्तदा मिलान सर्फ। तो मुख्तता मिलाने सर्फ जो है ये सर्फ का एक हिस्सा होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। लिहाजा देखें तफाइल सर्फ कितना ज़्यादा अहम है कि ज़ारिब की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए भी मुख्तम मिलाने सर्फ जो चाहिए वो सर्फ तफाइल सर्फ में से ही आएगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मुख्तम मिलाने सर्फ, ज़ारिब की वैल्यू भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और कौमी आमदनी में जो तब्दीली है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है से के कानून की नफ़ी। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, तफाइल सर्फ की अहमियत हम देखेंगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तफाइल सर्फ। से के बारे में आप नहीं जानते होंगे, से एक मेशेदान है, क्लासिकी मेशेदान जो कि मुकम्मल रोज़गार के नज़रिए पर ही यकीन रखते थे, और उनका कहना था कि अशिया की जो रसद होती है वो अपने तलब खुद पैदा करती है, जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी का दायरी बहाव। इसमें ये कहा जाता है कि मीशत में अगर फर्ज करें दो सेक्टर्स हैं, एक घराने और दूसरा फर्में यानी कारोबारी इदारे, तो घराने आमदनी पैदाइश मुहैया करते हैं, वो आमदनी पैदाइश कारोबारी इदारों में जाकर अशिया खिदमात पैदा करते हैं और वो और बदले में जो है मुआवजे लेते हैं वो आमदनी पैदाइश। अब जो अशिया खिदमात तैयार करते हैं कारोबारी इदारे वो मार्केट में जब बेचते हैं तो उनको ख़रीदता कौन है, वही घराने, और किन पैसों से ख़रीदते हैं, उन्हीं पैसों से जिन जो पैसे उन्हें मुआवजों की शक्ल में मिले थे, और वही पैसे जो मुआवजों की शक्ल में मिले थे वो पैसे वापस कीमतों की शक्ल में सारे फर्मों के पास चले जाते हैं। यानी कौमी आमदनी कभी घरानों के पास जाती है और कभी आमदनी के मुआवजों की शक्ल में और कभी अशिया कीमतों की शक्ल में कारोबारी फर्मों के पास चली जाती है। तो इनका कहना ये था से का कि जितनी भी अशिया तैयार होंगी वो सारे की सारी कौन ख़रीदेगा, वही जो फैक्ट्रियों में कारखानों में उन अशिया को बना के आ रहे हैं वही तमाम अशिया, क्योंकि लोग सारी अपनी सारी आमदनी सर्व कर देंगे जाके मार्केट्स में, तो वो तमाम अशिया जो है वो ख़रीद लेंगे, जो बनी थी वो सब वो ख़रीद लेंगे। लेकिन लॉर्ड केन्स का नज़रिया इससे ज़रा मुख्तलिफ है। केन्स का कहना क्या है, देखिए केन्स ने जो तफाइल सर्फ पेश किया है उसमें जो मुख्तम मिलाने सर्फ की वैल्यू थी वो है तो पॉजिटिव बट हमेशा लेस देन वन है। वन होने का मतलब ये है कि जितनी आमदनी में इजाफा हो सारे का सारा आप खर्च कर दें, और लेस देन वन का मतलब ये है कि आमदनी में जो इजाफा हुआ है आप सारे का सारा खर्च ना करें बल्कि उससे कम खर्च करें। ये देखें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप कम खर्च कर रहे हैं जितना आप कमा के लाए हैं और आप कम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है जितना आप कमा के लाए थे उसी की मालियत के बराबर अशिया मार्केट में तैयार पड़ी हैं, लेकिन आपने उतनी नहीं खरीदी, उससे कम खरीदी हैं। अब क्या होगा, बेश पैदावारी हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन। बेश पैदावारी का मतलब है कि जितनी अशिया की ज़रूरत हो आप उससे ज़्यादा बना दें, ओवर प्रोडक्शन हो जाए। तो ये देखें कि तफाइल सर्फ जो है बेसिकली इसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें ओवर प्रोडक्शन क्यों हुई थी। बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन आया ही इसीलिए था कि से ने जब ये कानून पेश किया कि जब आप जितनी भी अशिया तैयार करके मंडी में पहुंचा दें वो सारी की सारी बिक जाएंगी, तो लोगों ने ऐसे ही किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए ज़्यादा अर्निंग लेने के लिए उन्होंने बेशुमार चीज़ें बना के जो है वो मार्केट में पहुंचा दी, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने उतना ही ख़रीदा जितनी उनकी ज़रूरत थी, तो जो बग़ैर ज़रूरत की अशिया थी इजाफी अशिया थी वो बिन बिके पड़ी रही, तो इसको बोलते हैं बेश पैदावारी यानी ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से कारखानेदारों ने अगले दौर में पहले से कम अशिया तैयार की क्योंकि बहुत सारी अशिया उनके पास इन्वेंट्री में यानी गोदामों में पड़ी हुई थी,
तो जब उन्होंने कम अशिया तैयार की तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार से निकाला, उसकी वजह से हुई बेरोज़गारी, उसकी वजह से हुई बेरोज़गारी होने की वजह से लोगों ने अपना खर्च और कम कर दिया। लेकिन जब रोज़गार होता है तो इंसान खर्च करता है, लेकिन जब बेरोज़गारी हो तो अगर उसके पास सेविंग भी हो तो वो भी ध्यान से खर्च करता है कि ये जल्दी ख़त्म ना हो जाए, गुजारा करना है। तो अशिया की तलब और कम होगी, जब अशिया की तलब और कम होगी कारखानदारों ने अगली दफ़ा सरमायाकारी को और कम कर दिया, और कम किया लोग और बेरोज़गार हो गए, उनकी आमदनियाँ और कम हो गई, तो इस वजह से मुल्क जो है वो बदहाली की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया। तो बेसिकली ओवर प्रोडक्शन क्यों होती है तो फाइल साहब ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आता है सरमायाकारी की अहमियत। जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो हमें ज़रूरी नहीं कि अब इसका सलूशन भी है। क्या सलूशन है कि देखें जो अशिया सार्फिन ने नहीं ख़रीदी वो अशिया आज रिन ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। यहाँ पे देखें कि जो अखराजात होंगे अब उसकी दो किस्में हो गई हैं, एक वो अखराजात जो सार्फिन करते हैं, एक वो अखराजात जो आजरीन करते हैं। यहाँ पे देखें सरमायाकारी की अहमियत को वाजिया किया गया है कि अगर किसी मैशत में सरमायाकारी नहीं होती तो उस मैशत में ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी अशिया मार्केट्स में तैयार पड़ी हुई हैं सारी की सारी सार्फिन नहीं ख़रीदेंगे, वो अपनी ज़रूरियात एक मखसूस हद तक उनकी होती हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उसके बाद इजाफी अशिया वो नहीं ख़रीदेंगे। तो वो अशिया किधर इस्तेमाल होंगी? वो अशिया दोबारा सरमायाकारी में इस्तेमाल होंगी, वो अशिया दोबारा नई अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। तो ये देखें कितना ज़्यादा ज़रूरी है सरमायाकारी, कितनी इंपॉर्टेंट है एक मैशत में। अब देखें वो अशिया जो सरमायाकारी में इस्तेमाल हो गई उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, और जो गैप आ गया था कौमी आमदनी और ख़र्च में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आमदनी और रोज़गार जो है वो एक फ्लो के साथ जारी रहे और बढ़ता चला जाए तो कभी भी गैप नहीं आना चाहिए आमदनी और ख़र्च में, क्योंकि जैसे ही गैप आएगा सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी को कम कर देंगे। अगला है जी कॉन्सेप्ट मुख्तसर मिलाने वो मुख्तसर इस्तेदाद सरमाया। बेसिकली आसान लफ्ज़ में आपको बताऊं तो इसका मतलब है सरमाए की सरमाए में से मुतवक्के मुनाफा, सरमाए में से मुतवक्के मुनाफा यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होता है। जब भी कोई सरमायाकारी करता है तो मुख्तलिफ एस्टिमेशन लगाता है सरमायाकारी करने से पहले कि जब हम ये सरमायाकारी करेंगे तो हमारा इतना खर्च होगा, हमें इतनी वसूलियाँ एक्सपेक्टेड हैं, तो इन वसूलियों में से सब कुछ खर्च निकोल के सब कुछ हमें इतना मुनाफा हो सकता है। तो मुतवक्के मुनाफा तभी ज़्यादा होगा जब चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी और मिलान सर्फ ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, मुख्तम मिलान सर्फ ज़्यादा होगा। अगर मुख्तम मिलान सर्फ कम हुआ तो चीज़ें कम बिकेंगी, तलब कम होगी, तलब कम होगी तो कीमतें भी कम हो जाएंगी और मुतवक्के मुनाफा भी कम हो जाएगा। तो देखिए मुख्तम इस्तेदाद सरमाया को भी एक्सप्लेन किया है इसमें, मुख्तम इस्तेदाद सरमाया को एक्सप्लेन करने के लिए भी तफाली सर्फ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तजारती चक्कर ट्रेड साइकिल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में ना पता हो, ट्रेड साइकिल कहते हैं आमदनी रोज़गार और जितने मुआवजे होते हैं आमदनी ने पैदाइश के और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन सब में जो उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं तजारती चक्कर। इसमें इसके पेशे के बेसिक ये ऐसे ही होता है जैसे एक लहर जा रही होती है ना, एक लहर ऊपर जाती है फिर वो नीचे आती है, इस तरह से जैसे लहर ऊपर नीचे चलती है इस तरह से इसकी शक्ल होती है तजारती चक्कर की। वक्त के साथ साथ होता क्या है कौमी आमदनी में रोज़गार में इजाफा होता चला जाता है, अशिया की तलब बढ़ती चल जाती है, लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं, आमदनी ने पैदाइश के मुआवजे बढ़ जाते हैं यानी शरह सूद उजरत लगान और मुनाफे जो हैं ये बढ़ते चल जाते हैं। एक ख़ास हद तक ये पहुंच जाते हैं, पीक पे पहुंच जाते हैं, जब पीक पे पहुंचते हैं उसको बोलते हैं खुशहाली का दौर, खुशहाली का दौर, और उसको बूम बोलते हैं। और जब उसके बाद हर देखें हर अरूज को एक जवाल होता है, वो खुशहाली का दौर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाता है खुशहाली का दौर, यानी उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब वो कमी आना शुरू हो जाती है तो रोज़गार भी कम होना शुरू हो जाता है, आमदनियाँ भी कम होना शुरू हो जाती हैं, आमदनी ने पैदाइश के मुआवजे कम होना शुरू हो जाते हैं, पैदावार भी कम होना शुरू हो जाती है, जितने भी आप ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पस्तरोई का दौर, या आप कह सकते हैं रिसेशन, यानी मीशत गिर रही है रिसेशन का दौर। फिर रिसेशन का दौर एक बिल्कुल पस्ती पे चला जाता है, उस पस्ती को बोलते हैं डिप्रेशन, माशी पसमानदगी जिसको बोल सकते हैं। डिप्रेशन के दौर में रोज़गार भी कम होता है, आमदनियाँ बहुत कम होती हैं, पैदावार बहुत कम होती है,
और जो आवामी पैदाइश के मुआवजे हैं ये भी बहुत कम रह जाते हैं। शेयर सूद बिल्कुल सिफर के करीब हो जाती है, फिर भी लोग सरमायाकारी नहीं करते, यानी आप कह सकते हैं कि कारोबार मंदे का शिकार होते हैं। जब ये इसकी भी एक इंतहा होती है, वो जब इंतहा पे ये पहुंच जाती है ये वाली स्टेज, तो फिर भी वापस मीशत में बहाली होना शुरू हो जाती है, यानी कि रिकवरी उसको बोलते हैं। जैसे इंसान बीमार होता है ना, उसके बाद वो ठीक होता है तो उसको बोलते हैं रिकवर हो रहा है। जैसे मीशत भी जब मीशत में भी बहाली आती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बेहतर होना शुरू होती है। ये है जी तजारत चक्कर। तफाले सरफ जो है ये भी तजारत चक्कर को एक्सप्लेन करता है। तो तफाले सरफ एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक चोटी पर पहुँच के, पीक पर पहुँच के मीशत जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, या फिर एक बिल्कुल पस्ती में से वो उठना शुरू हो जाती है वापस। उसकी वजह क्या है? तफाइल सर्फ। जब मीशत पीक में होती है तो आमदनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सर्फ जो है आमदनी में तो बहुत इजाफा होता है, लेकिन सर्फ में उस नस्बत से इजाफा नहीं होता जिस नस्बत से आमदनी में इजाफा होता है। तो इस वजह से जो है बिल्कुल पीक पर पहुँच के होता है कि बहुत ज़्यादा अशिया तैयार हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। मैं एक्सप्लेन किया ना आपको कि MPC की वैल्यू जो होती है लेस देन वन होती है, इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो जो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से मीशत जो है नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और जब दूसरा दौर मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल पस्ती का, पस्ती के दौर में क्या होता है कि जब बहुत बुरा दौर होता है, लोगों की आमदनियाँ बहुत कम होती हैं, तो फिर भी सर्फ को वो ज़ीरो नहीं करते। आमदनी ज़ीरो जो है कि सर्फ ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि वो अगर बहुत कुछ ना भी हो तो वो अपनी सेविंग्स में से खर्च कर लेंगे, कहीं से उधार लेके कुछ चीज़ बेच के कुछ ना कुछ करके वो अपना गुजारा ज़रूर करेंगे, जिसको मैंने आपको बताया था जैसे खुद अख्तियार तफाइल सर्फ जो होता है, खुद अख्तियार सर्वाइवल के लिए इंसान ज़रूर खर्च करेगा। तो वो जो इन्वेंट्री में चीज़ें पड़ी हुई थी कारखानेदारों के पास, अब वो भी बिक जाएंगी। जो तो जब वो बिक जाएंगी तो फिर भी लोग ख़रीदने के लिए अशिया आएंगे, तो वो फिर कारखाने ऐसा ऐसा चलना शुरू हो जाएंगे और जो ज़िंदगी है जो वो मामूल पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तफाले सर एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तजारती चक्कर का जो है वो बहुत मुड़ जाएगा। थैंक यू।